आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की आमद जहां कराची की आवाम के लिए खुशी की नवीद लाई, वहीं वीआईपी प्रोटोकॉल के बाइस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तलबा गलियों में घूमते रहे लेकिन सिक्योरिटी पे मामूर अहलकारों ने तलबा को घर तक जाने की इजाजत नहीं दी। नाजमाबाद बोर्ड ऑफिस से गोलीमार तक मेन शाहरा बंद होने के बाइस ट्रैफिक बुरी तरह मुतासिर रहा, जबकि शहर में मौजूद 150 से ज्यादा ट्रैफिक पुलिस एहलकार जहाँ पना के रास्ते क्लियर कराने में मसरूफ थे, जबकि मुतादिद मुकामात पर एम्बुलेंस भी फंसी रही, जिस पर शहरियों ने शदीद गम और गुस्से का इजहार किया। मैं अभी अपने बच्चे को केडीए सिटी स्कूल में पढ़ता है, वहाँ से मैं निकला हूँ और अंदर से पूरी मार्केट होते हुए, लियाकताबाद से होते हुए, 10 नंबर तो होते हुए, वहाँ भी पुलिस वाले नहीं जाने दे रहे। हम कह रहे हैं नमाज का टाइम हो रहा है, बच्चे लेट हो रहे हैं, नहीं जाने दे रहे, बोले नहीं है, रास्ते बंद है। कितनी एम्बुलेंस आप मैंने देखी है कि वहाँ ट्रैफिक के अंदर फंसी हुई है, कितनी जाना जल्दी जाया हो सकती है। इतना प्रोटोकॉल है कि सारे रास्ते ब्लॉक कर दिए गए, आम शहरी की कोई सहूलत फराहम नहीं की गई। खिताब करेंगे और चले जाएंगे, हो ना हा ना कुछ भी नहीं है। ये बोल रहे हैं कि एक साल में हो जाएगा, आप भी यहीं पर हैं, हम भी यहीं पर हैं, देख लेगा क्या होगा। बहुत परेशानी हुई है भाई, अभी घूम घूम के सारी जगह ट्रैफिक जाम हुई। वीआईपी कल्चर की ये रिवायत न सिर्फ आवाम दुश्मन है बल्कि आईन के तहत आवाम को दिए गए बुनियादी हुकूक की भी सरीहन खिलाफ वर्जी है। कैमरामैन जुनेद असलम के साथ साकिब आलम, मेट्रो 1 न्यूज कराची। सिंध असेंबली के इजलास में सूबाई वज़रा और अपोजिशन